मेरे प्यारे देशवासियों और जवान भाइयों, मैं आपका अपना नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरन तारण पंजाब। मैं आज आपसे बहुत एक जरूरी विषय पर बात करना चाहता हूँ। कृपया मेरी एक बार इस बात को अवश्य सुने और समझें। ये बहुत ज़रूरी मामला है, क्योंकि हमारे सिविलियन भाई जो हैं, देश के जो देशवासी हैं, वो सोचते हैं कि फौजी जो हैं वो अपने मसलों को लेकर के ऐसे बोलते रहते हैं और कभी कोई वीडियो डाल देते हैं, कभी कोई वीडियो डाल देते हैं। तो मैं उनको उन इसकी एक महत्वपूर्ण इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि फौजी जो हैं वो बार बार वीडियो डाल के वायरल क्यों कर रहे हैं, इनकी समस्या क्या है। कोई फौजी बोलता है मेरी जान को खतरा है, कोई बोलता है मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो हुआ, तो उसकी जड़ क्या है? क्या वो झूठ बोल रहे हैं या सही में ऐसा कुछ होता है? तो उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो कृपया एक बार अवश्य सुने इसको अच्छी तरह से कि क्या है। ऐसा है कि जो जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, तो 1924 से पहले अंग्रेजों द्वारा दो कानून बनाए गए थे। एक थे जो इंडियन आर्मी रूल और एक थे ब्रिटिश रूल। जो इंडियन आर्मी रूल थे वो थे हमारे भारतीय फौजियों के ऊपर लागू होते थे और इनके लिए बनाए गए थे, मतलब गुलामों के लिए बनाए गए थे कानून, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। और दूसरे रूलिंग थे वो ब्रिटिश रूलिंग, जो उनके अपने फौजियों के लिए थे, अंग्रेज फौजियों के लिए कानून थे, वो थे ब्रिटिश रूल। मतलब अंग्रेजों के द्वारा दो कानून जो थे उस टाइम पे लागू किए गए थे, एक गुलामों के लिए, एक अपने अंग्रेज सिपाहियों के लिए। तो ये 1924 के बाद 1947 में देश आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान बन गया, हमारे अपने कानून बन गए। लेकिन हमारे देश का संविधान तो बदल गया, हमारे देश का संविधान बदल गया, हमारे देश के जो कानून हैं वो अपने देश के वासियों द्वारा या देश के कानूनी मारों द्वारा बना दिए गए कि हमें देश के लिए कौन कौन से कानून चाहिए थे। लेकिन जो फौजी रूलिंग है, जो फौज में जो जवान है उनके ऊपर क्या रूल लागू होते हैं, क्या कानून लागू होते हैं, वो अंग्रेजों द्वारा ही है, जो उस टाइम पे गुलाम सैनिकों के लिए बनाए गए थे। तो जो कानून है वो 1924 से पहले अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही आज चल रहे हैं। तो अगर भाई अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामों के लिए इतने ऐसे कानून थे, तो आपने 1950 में जो है देश के लिए संविधान क्यों लिखा, देश के कानून क्यों बने? उनको भी वही रहने देते अंग्रेजों वाले वो जगह। जब आपको लगता है कि आर्मी रूल उनके अच्छे थे, तो जो देश के लिए भी वो कानून अच्छे थे, उसको क्यों आपने बदली किया? वही वजह है 1924 का जो गुलामों वाला है, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज अफसर होते थे, तो हमारे जवानों को दबाने के लिए जो इंडियन आर्मी रूल बनाए गए थे उस टाइम, वही आज सेना में चल रहे हैं। और उन्हीं कानूनों की वजह से ऐसा होता है कि जो जवान जो है, जग्गा प्रताप जैसा जो जवान है, वो दिखाता है कि एक वीडियो बना करके दिखाता है कि भाई अफसर द्वारा जो है जवानों को मिसयूज किया जा रहा है, घरों में उनके उनसे जूते पॉलिश करवाए जा रहे हैं, उनके घर में झाड़ू पोछा करवाया जा रहा है, औरतों के कपड़े धुलाई करवा रहे हैं, औरतों की चड्डियाँ धो रहे हैं वो अफसरों की मेमों की। तो तब अफसर के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा जग्गा प्रताप के ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अफसर के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया भाई? जग्गा प्रताप ने दिखाया क्या? आप सेना के सामने के पास से निकलते हो तो आपने देखा होगा कि कंडियाली तार लगी हुई है, जहाँ तक आपकी आंखों जो नंगी आंख जो है सामने से देख सकती है सड़क के ऊपर खड़े होकर के, बस उतना ही हिस्सा जो है जग्गा प्रताप ने दिखाया। कुछ उसने आपको कोई अम्यूनिशन स्टोर नहीं दिखाया, कोई आपको किसी मिसाइल के बारे में जानकारी नहीं दिया, कोई खुफिया जगह जो है उसने सेना की नहीं बताई, सिर्फ यही बताया कि सेना में अफसरों द्वारा जो है वो जवानों को मिस यूज करके उनको उनसे जो है गुलामों वाले काम करवाए जा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? दूसरा जो है, जैसे BSF में तेज बहादुर है, हमने सर्विस किया, हमें नहीं पता है कि वहाँ पे गंदा खाना मिलता है, सभी राशन अफसर भेज देते हैं, सभी जो भी जितना राशन आता है उनमें से आधे से ज़्यादा अफसर भेज देते हैं, तो
तो हमें नहीं पता हम कौन सी आर्मी में सर्विस करके आए, अफसर बोल देते हैं तो सरकार बहुत जल्दी उसके ऊपर भरोसा कर लेती है कि सेना में कोई भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार की जांच कौन करता है? तेज बहादुर का खाना का रिपोर्ट हुआ या जग्गे प्रताप की जो है वो इसका अफसरों द्वारा जवानों को मिस यूज का मामला है, उसमें इंक्वायरी किसने किया? उसमें इंक्वायरी वही अफसर करते हैं जो गलत फायदा उठा रहे हैं, वो कभी अपने आप को दोषी साबित करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो ये क्या बना रखा है देश में, मजाक बना रखा है जवानों को गुलाम दिखाने के लिए? मैं तो आगे से जो हमारे जो जवान हैं जिन्होंने हमने सर्विस कर लिया, हम पेंशन आ गए, हमने तो सौगंध दिखा ली है इकट्ठे होकर के कि हम अपने बच्चे सेना में भर्ती नहीं करवाएंगे। हमने वहाँ पे जो है वो अपने बच्चे भेजते हैं देश के लिए लड़ने के लिए, देश के काम करने के लिए, वहाँ पे इनके अफसर की मेमो की चड्डियाँ धोने के लिए हमने अपने लड़कों को अपने बच्चों को सेना में भर्ती नहीं करवाते। वहाँ पे लैटरिन साफ करवाने के लिए नहीं भेजते हम अपने बच्चों को वहाँ पे के अफसर वहाँ पे जो है जवानों को थप्पड़ मारें, अफसर को अफसर जो है जवान को गालियाँ दें गंदी गंदी माँ बहन की। इसलिए हम अपने बच्चे भर्ती करवाते हैं, हम देश के लिए भर्ती करवाते हैं। तो हमने तो सौगंध खा ली है, हम तो किसी भी हालत में अपना और अपने रिश्तेदारों का बच्चा फौज में भर्ती नहीं करवाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी 29 अक्टूबर को जनरल सतबीर रैली कर रहा है जंतर मंत्र पे। और जनरल सतबीर रैली किस लिए कर रहा है? जितने अफसर हैं सेना के अफसर सभी अपने मतलब के लिए जो है वो सरकार के पास जाते हैं, सरकार के खिलाफ रैलियां करते हैं, जवानों का कोई डिमांड नहीं रखते। जनरल सतबीर की इस टाइम डिमांड्स क्या हैं? सबसे बड़ी डिमांड इनकी है NFU। NFU का मतलब नॉर्मल जान, ना तो हमारे फौजी भाइयों को पता है और ना ही सिविलियन को पता है कि ये क्या है। NFU का मतलब है कि अगर अफसर जो है वो 50 अफसर एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, उनमें से 49 अफसर जो हैं वो मेजर रिटायर्ड होते हैं, मेजर रैंक से पेंशन आ जाते हैं, और उनमें से एक एक अफसर जो है वो जनरल बन जाता है, तो जो 49 मेजर पेंशन आए हैं वो सभी को जनरल के बराबर पेंशन मिलेगा। जो उनमें से एक आदमी ने उच्च अहदा ले लिया, जो रैंक से पेंशन आया, दूसरों को ऑटोमेटिकली उसी रैंक की पेंशन मिलेगी। ये है NFU, ये है पहले IAS अफसर के ऊपर लागू है। IAS अफसर के ऊपर क्यों लागू हुआ है? क्योंकि सरकार को पता है कि IAS अफसर जो भी है वो स्टेट में या कहीं पे भी जो अपना सर्विस करते हैं तो उनके ऊपर नेताओं का जो दबाव रहता है, और जब कोई अफसर किसी नेता की बात नहीं सुनता तो उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है या उसकी रिपोर्ट खराब कर दी जाती है। तो उनके दिमाग से डर निकालने के लिए कि भाई आप जो है वो आपको पेंशन जो है आपके जो साथी उच्च अहदे पे पहुंच जाएगा उसके बराबर दिया जाएगा। लेकिन अफसर के ऊपर किसका दबाव है? कौन रोक रहा है इनकी प्रमोशन को कि इनको NFU चाहिए? अगर इनको NFU चाहिए तो इसका मतलब इनको खतरा है कि सेना में जो है वो किसी की गलत रिपोर्ट करके उसका प्रमोशन रोका जाता है। तो क्यों भाई, फिर ये जवानों के लिए क्यों नहीं लागू होना चाहिए? जवानों का तो प्रमोशन जो है अफसर ज़्यादा खराब करते हैं। आप तो ज़्यादा ब्रिटिश रूल चलाते हो हमारे ऊपर, तो फिर हमें NFU क्यों नहीं लागू होना चाहिए? दूसरा, जनरल सतबीर या दूसरे जनरल जो अपने आप को बोलते हैं कि हम जवानों के नेता हैं, हम ये हैं जो वो हैं, ये जनरल जो है अपना, मैं जनरल सतबीर की भी बात कर रहा हूँ और जनरल जो बक्सी वगैरह जो जितने भी हो TV पे आकर के तरह तरह की बातें करते हैं, और जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके बारे में भी बोल रहा हूँ कि आपको क्यों नहीं पता कि जब जो अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज करके चले गए और उनकी यहाँ पे सेना में जब एक जवान और एक अफसर लड़ते हुए जख्मी होते हैं, अगर 100% वो जख्मी हो जाता है, 100% वो जख्मी हो जाता है, 100% डिसेबल हो जाते हैं, तो उनको इक्वल जो है डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। लेकिन हमारे देश में क्या है, जवान को जो है 12,000 रुपये और अफसर को 2,00,000 रुपये। क्यों भाई, हमारी शारीरिक वैल्यू जो है वो कम है? हम आप अभी भी हमें गुलाम समझते हो ना, इसलिए कि गुलाम की बॉडी का जो है वो राजा के बॉडी के जितना वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए
जैसे सब आपने चलाया हुआ है, आपने अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह दूसरे देशों की कभी डिसेबिलिटी पेंशन देखी है? कभी उनके लिए बात किया आपने? कभी आपने ये बोला कि 1924 वाले जो कानून हैं, गुलामों वाले कानून हैं, वो बदली होने चाहिए? नाम के साथ जर्नल लिख देने से कोई जर्नल नहीं बन जाता है। जर्नल वो होता है जो जो जवानों के लिए मरने का जज्बा रखता हो और जिसके लिए जवान मरने का जज्बा रखते हो। इन दोनों का आपस में मिलाप चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो है वो जवानों को गुलाम समझते हैं, गुलाम समझ कर के अपनी मेमू को चड्डी दिलवाते हैं ये लोग। दूसरा मामला है, एक है मिलिट्री सर्विस पे। जो मिलिट्री सर्विस पे दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि दूसरी नौकरियों में से सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो सेना को है, तो मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे से ही आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे तो इसका मतलब है फौज में नौकरी करने का पे, जिसने वर्दी पहन लिया उसका पे। तो उसमें जो है जवान को 5,200 और अफसर को 15,500 रुपये। क्या मजाक बना रखा है? मतलब आपकी वर्दी जो है वो आपको वर्दी पहनते ही ज़्यादा खतरा हो जाता है और जवान को कोई खतरा नहीं है। लड़ता कौन है सेना में से? जो है मिलिटेंटों के साथ सीधा जो मुठभेड़ हो किसके साथ होती है? मैं नहीं बोलता कि आप जवान को 15,500 दे दो और अफसर को 5,200 दो, लेकिन जवान को भी या तो जो है 15,500 अफसर के बराबर मिलनी चाहिए, या अफसर को जवान के बराबर 5,200 मिलनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं कि जो हमारे ऊपर आप अंग्रेजों वाले कानून चला रहे हो, गुलामों वाले कानून हमारे पे लागू किए हुए हैं, उन चीज़ों को बदलो। हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। जब बार बार हम हर एक मांग पत्र में लिखते हैं, और अभी भी मैं वही बात बोल रहा हूँ। तीसरा है विधवा पेंशन, जवानों की विधवा पेंशन। आपने इतना पेंशन किया है कि जो एक विधवा है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं कर सकती है वो, और जो जवान जो है सर्विस में नौकरी करते हुए मर गया और जो पेंशन आके मर गया, तो भाई सारा तो आपके साथ हो, सर्विस में उसने जवानी तो अपना वहाँ पे निकाल दिया, तो वो कहाँ से पैसा यूज करेगी? उसकी जिंदगी है, उसका बच्चों की पढ़ाई उसी सर्विस पेंशन पे है। तो फिर आप जो है आप जो है वो उसका पेंशन 9,000 रुपये कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी अफसर जिसमें दम हो, जिसने माँ का दूध पिया हो, वो 9,000 रुपये में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने घर का गुजारा कर मतलब चला करके हमें बता दे। एक महीना में अगर आप लोग एक महीने के अंदर 20 दिन के बाद ही जहर खा के नहीं मर जाओगे ना, तो मुझे बताना 9,000 रुपये में कौन गुजारा कर सकता है जो है महीने का अपने बच्चों के साथ? और विधवा पेंशन क्या, जो विधवा है वो क्या करेगी? किसके घरों में जाकर के अभी झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दे वो, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दे? जे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत शर्म है ही नहीं आपके पास, तो शर्म आनी आने का मतलब ही नहीं है। बेशर्म आदमी को शर्म आती नहीं है। आप कभी दूसरे देशों की पेंशन देखो कि उनका विधवा पेंशन कितना है, कम से कम उतना पेंशन तो दो कि वो अपने बच्चों का घर का गुजारा चला सके, उनको पढ़ा लिखा सके। आप लोगों ने बस हमें जवान तो आप समझते नहीं हो, ये तो अभी हमारी समझ में आया कि आप हमें जवान समझते नहीं हो। आप नहीं समझते हो कि हम देश के वासी हैं, आप तो हमें गुलाम समझते हो, क्योंकि आप गुलामों वाले रूलिंग अभी तक हमारे ऊपर लागू किया हुआ है, तो इसका मतलब हमें गुलाम समझते हो आप लोग। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे और मैं अपने जो फौजी जवान भाइयों को जो अपील करता हूँ कि अगर इसमें कुछ गलत नजर आता है तो मुझे फांसी की सजा दे दो। 1924 से पहले के जो अंग्रेजों के रूलिंग अगर लागू किया हुआ है, आपको लगता है कि वो नहीं बदली होने चाहिए, तो मुझे फांसी की सजा मंजूर है। फांसी की सजा दे दो हमें, हमें मंजूर है। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। ये कौन सा इंसाफ है कि अफसर जो है वो हमारे ऊपर तानाशाही करेंगे और जवान को ऊपर वही गुलामों वाले कानून आज से 150 साल पहले वाले आप चला के रखोगे? हम देशवासी नहीं है, देश की सुरक्षा तो आपकी कर रहे हैं, तो क्या आप हमें गुलाम समझोगे? मैं सभी फौजी भाइयों से अपील करता हूँ कि मेरी बातों का अगर आपके पास कोई जवाब है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है,
मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अगर किसी अफसर में दम है तो मेरी बातों का जवाब दे। और मैं अपने भाइयों को निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ, जो 29 अक्टूबर को जनरल सतबीर जो है वो रैली कर रहा है, उसका बाइकाट करो। वहाँ पे कोई जवान नहीं जाना चाहिए। जब हमारी वो डिमांड्स नहीं उठा रहा है तो हमारी मांगे जो जवान की वो नहीं मान रहा है, वो अपनी अफसर की मांगे दे रहा है, तो आप लोगों को उसकी रैली में शामिल नहीं होना चाहिए, आपको उसकी चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, और जो आदमी हमारे हकों के लिए लड़ता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अफसर का तो मतलब नहीं है, अफसर की वजह से ही आज तक 1924 से लेकर के कानून चल रहे हैं हमारे ऊपर गुलामों वाले। आज तक उन्होंने कभी आपको इसके बारे में बताया कि अंग्रेजों के राज में जो थे दो कानून चलते थे, एक अंग्रेज सिपाहियों के लिए अलग और गुलाम सिपाही जो भारतीय थे उनके लिए अलग। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा, 29 अक्टूबर को कोई जवान जो है जनरल सतबीर की रैली में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर कोई जाता है तो उनको पूछो कि भाई हमारे देश के जो है नए कानून हमारे फौजियों के लिए क्यों लागू नहीं हुए, क्यों हमारे ऊपर जो गुलामों वाले कानून बने हुए हैं, क्यों हमें हमारी विधवा को जो 9,000 रुपया पेंशन दी जा रही है, क्यों हमें मिलिट्री सर्विस पे बराबर नहीं दी जा रही है, क्यों हमारी जो है हम हैंडीकैप हो जाते हैं, हमारी टांगे कट जाती हैं, हम जो है डिसेबल हो जाते हैं, तो क्यों नहीं हमें डिसेबिलिटी जो पेंशन है वो अफसर के बराबर क्यों नहीं दी जाती है। अगर आप NFU की डिमांड रख रहे हैं तो क्यों हमें जो है हमारे जवानों के लिए आप NFU की डिमांड नहीं रख रहे हो, क्यों भाई हमें जवानों को NFU क्यों नहीं चाहिए, जेकर आपको चाहिए तो। बस इतनी बातें करता हुआ आप जुड़ के निवेदन करता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप इसको आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अगर आपको गलत लगता हो आप गाली दे सकते हो, आप मेरा जो है वीडियो डिलीट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई जवाब है तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से फ़ोन करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे अगर कोई अफसर में किसी अफसर में दम है, किसी ने माँ का दूध पिया है, तो मेरे इन बातों का जो है रिप्लाई दे सकता है। लेकिन मुझे पता है ये गधे लोग जो हैं मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास जवाब है नहीं है। बस इतनी बातों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।